हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज हम लोग करेंगे जीएस पेपर वन का पॉइंट नंबर 7, जिसमें अर्बनाइजेशन हमने शुरू किया था। इसका पार्ट टू हम लोग करेंगे। पार्ट वन हम पहले ही कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और भी हमारे चैनल पर विजिट करके अपने काम की सीरीज़ आप लोग देख सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जनरल स्टडी पेपर वन UPPSC एज वेल एज UPSC मीन्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्बनाइजेशन या शहरीकरण, इसका हम पार्ट टू करेंगे आज। लास्ट में हमने जो किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो उसमें हम देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में अवधारणा की थी और कारण देखे थे शहरीकरण के, क्या क्या कारण हैं। आज हम देखेंगे भारतीय समाज पर शहरीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और शहरीकरण की क्या क्या समस्याएँ और चुनौतियाँ हैं। फिर हमारा ये रह जाएगा 3 टॉपिक, भारत में शहरीकरण, शहरीकरण से संबंधित कुछ संस्थाएँ और शहरीकरण से संबंधित योजनाएं क्या क्या सरकार चला रही है। तो ये 3 टॉपिक हमारे रह जाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये अवधारणा देखी थी कि शहरीकरण एक्चुअली में होता क्या है। अगर ग्रामीण अधिवासियों से नगरीय अधिवासियों में रूपांतरण होता है तो उसे मेनली शहरीकरण किया जाता है। आप लास्ट वीडियो में देखिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा। हमने इसके कारण देखे थे, 2 कारण देखे थे, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, और उसके क्या रीज़न थे, क्यों इसे ऐसा कहा जाता है। तो ये लास्ट वीडियो आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम करेंगे भारतीय समाज पर शहरीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्ट भी आ सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होती है कि क्वेश्चन हमसे एक्चुअल में पूछा क्या गया है। तो ये चीज़ आप जैसे कि कोई एक सिचुएशन दे देंगे और आपको बोलेंगे अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। तो ऑब्वियस जो मैंने इसमें टॉपिक डिवाइड किए हैं, प्रभाव, कारण और जो भी मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, ये सारे इसी के ऊपर ही आपको आंसर राइटिंग करनी है। इससे बाहर कहीं भी नहीं जाना है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की, क्वेश्चन समझने की ज़रूरत होती है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में हमसे पूछा क्या गया है। इसीलिए हम लोग ऊपर ऊपर से करेंगे। जब ये पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट ये सारा पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पेपर्स पर भी आएंगे कि एक्चुअल में UPSC में इस टाइप में या MPPSC में इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम उसकी आंसर राइटिंग किस हिसाब से कर सकते हैं। तो इस पर भी हम लोग बहुत फोकस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज पर शहरीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप लोगों को पता है बहुत सारी ऐसी परिवर्तन है जो शहरीकरण ने जन्म दिए हैं, जैसे कि जाति, विवाह, परिवार, ग्रामीण समुदाय, महिलाएं, जो स्पेशली महिलाओं पर शहरीकरण का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और हम लोग जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं मैंने, ये जितने भी हैं, आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं और एज अ नोट मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आप इसे अपने मतलब कि एज अ हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी दोनों आप रख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले जाति प्रथा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप ना ये जो मैंने पॉइंट्स दिए इसको अपने नॉलेज से, अपने थॉट से, जितना भी आज तक आपने पढ़ा है उससे एनालिसिस करके देखिए कि इसमें हम लिख क्या सकते हैं। जैसे कि जाति प्रथा पर प्रभाव, तो आपको भी पता होगा कि जैसे गांव में सब रहते थे तो ऊंची नीची जातियाँ मानी जाती थी, अछूत माने जाते थे। आपको पहले पता होगा कि आज़ादी के टाइम में कितने ज़्यादा भेदभाव किए जाते थे ऊंची जाति और नीची जाति पे। जब शहरीकरण का जब से प्रभाव पड़ा है, जब से शहरीकरण हुआ है इंडिया में, तब से जाति प्रथा जो है हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। बहुत अब जो भी व्यक्तियों की पहचान है उनकी जाति के आधार पर नहीं की जाती, उनके गुणों के आधार पर देखा जाता है, कि जो कि आज से एंशियंट पीरियड में ऐसा होता था कि जाति प्रथा नहीं होती थी, वो गुणों के आधार पर, उनके कामों के आधार पर उनको बांटा जाता था। जब से शहरीकरण हुआ है तब से ये चीज़ें सामने आई हैं। अब ये देखा जाता है कि जो भी किसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है या फिर किसकी राजनीतिक स्थिति अच्छी है, सामाजिक स्थिति किसकी अच्छी है, तो उन व्यक्तियों की, उनकी प्रतिष्ठा पर फोकस किया जाता है।
जातीय परंपरा पे बहुत ज्यादा लचीलापन आ गया है। अब किसी में भेदभाव नहीं समझा जाता है, कोई ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो ये नहीं सोचा जाता है कि अपने ही बर्तन में पानी दे या नहीं दे। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है शहरीकरण में। तो अगर उसकी सामाजिक, किसी एक पर्टिकुलर जो नीची जाति का बंदा भी है तो अगर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है, राजनीतिक प्रतिष्ठा अच्छी है, तो उसको बहुत ज़्यादा समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, उसको बिल्कुल भी हीन नज़रिए से नहीं देखा जाता है। तो बहुत अच्छा और व्यापक परिवर्तन आया है जाति प्रथा के मामले में भारतीय समाज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिवार पर प्रभाव। तो ऑब्वियस आप जानते हैं कि जब पहला हमारे आज़ादी से पहले का भारत था, जब शहरीकरण की मतलब की परंपरा बहुत ही कम हुई थी, तो उस समय परिवार क्या होते थे? परिवार पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। गांव में ज़्यादातर देखा होगा चार चार पीढ़ियां एक साथ रहती थी। लेकिन अब जो है, अब जब से शहरीकरण का कॉन्सेप्ट आया है तब से न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी हैं। बस पेरेंट्स और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, ना दादा दादी ना नाना नानी, कोई भी किसी का इंटरफेयर नहीं होता। तो ये जो प्रभाव है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसको आपको अपने हिसाब से समझना है। अगर आप इस जो प्रभाव को दो कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हो कि एक सकारात्मक प्रभाव, एक नकारात्मक प्रभाव, या फिर ऐसे ही पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, तो ये आप अपने आपकी समझ पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे आंसर राइटिंग करते हो। मैं बस आपको पॉइंटर्स या पॉइंट देके समझा ही सकती हूँ। तो इसमें मैंने बताया कि जैसे कि एक ही संयुक्त परिवार की प्रथा थी, सब लोग एक ही परिवार में निवास करते थे और जो भी संपत्ति होती थी ना परिवार की, वो सामूहिक स्वामित्व होता था सबका। मतलब जितने परिवार के लोग हैं सब उसका यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब जब शहरीकरण जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा सामने आई, जिसमें कि जैसे मैंने बताया कि पति पत्नी और बच्चे ही रहते थे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से संयुक्त परिवार ख़त्म हो गया है। आज भी बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जहाँ पर जॉइंट फैमिली हैं, लेकिन बहुत ही अब कम ही देखा जाता है ये कॉन्सेप्ट। मतलब कि उनकी संरचना में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अगर माँ बाप रहते हैं तो भाई बहन साथ में नहीं रहते, इस टाइप से कॉन्सेप्ट में काफ़ी चेंजेस आ गया है। तो परिवार पर इस पर बहुत असर पड़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विवाह पर प्रभाव। विवाह पर भी काफ़ी हद तक इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पहले जब होता था, शादी जब की जाती थी, तो पहले पेरेंट्स की सहमति ज़्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू रखती थी इसमें। लेकिन अब जो होता है, अब जो लड़का लड़की जो होती है उसकी सहमति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी राय को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे ही अंतर जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, ऐसे आदि इनके प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जो विवाह का उद्देश्य पहले जो होता था, धार्मिक कार्यों की पूर्ति होता, धर्म विधि विधान इन सब से विवाह होता था। लेकिन आज जो है, आज सिर्फ है कि संतान की उत्पत्ति करना और भौतिक सुखों की प्राप्ति विवाह का उद्देश्य रह गया है आज के युग में। और शहरीकरण के ही प्रभाव से आप लोग ये जानते होंगे कि लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ गया है। विवाह को बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट कर दिया गया है शहरीकरण के कॉन्सेप्ट आने के बाद से। और पहले इसमें काफ़ी नेगेटिव भी कह सकते हैं और इसको पॉजिटिव भी हम लोग ले सकते हैं कि पहले जो होता था, औरतों को दबा के रखा जाता था, उन्हें बोला जाता था कि पति आपके परमेश्वर हैं, आप उनके अधीन हो। तो अब वो कॉन्सेप्ट हट चुका है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों को इक्वल दर्जा दिया जाता है। तो इसमें आप नेगेटिव वे भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वे। तो ये आपका नज़रिया है कि आप आंसर राइटिंग किस वे में करते हो एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव नेक्स्ट इसमें है। तो ऑब्वियस है कि जैसे पहले कृषि होती थी, पशुपालन होता था, ये सब तो अभी भी होता है, लेकिन अब ना इनका मूल उद्देश्य हो गया धन अर्जित करना। तो ये लोग अपने कृषि उत्पादों और पशु उत्पादों जैसे कि घी होता है, दूध होता है, सब्जी फसलों को शहरों में बेचने के लिए आते हैं। तो इससे आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है ग्रामीण समुदायों की। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो वस्तु विनिमय के स्थान पर अब मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया है। जैसे कि पहले होता था कि आप एक सामान मुझे दो तो मैं आपको अपना दूसरा सामान दे, सामान से अदला बदली होती थी, मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था। तो अब इससे ज़्यादा मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया है। और अब गांव में भी जो भी शहर की संस्कृति है वो गाँव में आने लगी है। जैसे कि
गांव में भी होने लगा है कि जैसे शहरों में लोग खाते पीते हैं, फैशन जैसे है, वेशभूषा जैसे है, मनोरंजन जैसे, अब तो गांव के हर घर में टीवी मिलेगा आपको, इंटरनेट कनेक्शन है, तो ग्रामीण समुदाय में भी काफ़ी हद तक शहरों का प्रभाव देखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे लोगों की राजनीतिक जागरूकता पर प्रभाव। अब इसमें ये लिख सकते हैं कि नगरों में लगभग सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय तो नगरों में ही होते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक जो गतिविधियों का केंद्र मोस्टली शहर ही होता है, गांव बहुत ही कम होता है। तो नगरों के माध्यम से ही ग्रामीण लोगों तक राजनीतिक गतिविधियों और सरकारी कामकाजों से संबंधित नीतियों को पहुँचाया जाता है। सरकार पर दबाव डालने के लिए विभिन्न दबाव समूह जो भी होते हैं हमारे, और राजनीतिक दल जो होते हैं वो धरना कहाँ देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अन्ना का धरना और केजरीवाल का जो धरना हुआ था वो सारा शहरों में ही होता है, गांव में ये सब देखने को कम मिलता है। घेराव, जो तालाबंदी होती है, हड़ताल होते हैं, ये सब ज़्यादातर शहरों में ही देखने को आप लोगों को मिलेगा। इस तरह नगरीकरण के कारण लोगों में जो है राजनीतिक जागरूकता, मतलब कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो चुकी है। तो इसमें मेनली हम राजनीतिक ही कहेंगे, क्योंकि हमें अपने अधिकार किससे मांगने होते हैं, सरकार से। तो लोगों में ज़्यादातर राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई है शहरीकरण के कॉन्सेप्ट आने के बाद से। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया है स्त्रियों की स्थिति में जब से शहरीकरण का प्रभाव आया है। पहले स्त्रियों को पर्दा प्रथा में रखा जाता था, बाल विवाह होता था उनका, और भी जैसे विधवा पुनर्विवाह अब होने लगा है, पहले सती प्रथा होती थी, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो गांव में होते थे। लेकिन जब से जो मॉडर्नाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है, उसके बाद से स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अब वो बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करके स्वयं धन कमाने लगी हैं, और पुरुषों की निर्भरता उन पर से कम हो गई है, और इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट आ चुका है इंडिया में। अब उन्हें पुरुषों के समकक्ष समझा जाने लगा है, और शहरीकरण के प्रभाव से ही उनके ऊपर जो भी अत्याचार होते थे वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव, धर्म के क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं शहरीकरण के। तो इसमें मेन है कि जो भी धार्मिक आडंबर होते थे, जो भी क्रियाकलाप होते थे, आडंबर ही मेन कहूँगी मैं, कि जो सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए, उनसे पैसे लेने के लिए काम जो किए जाते थे, उस पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा है, उसमें नकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिली है। अब जो शहरों के लोग जो होते हैं ना, वो जो भी काम होती है, जो भी धर्म के संबंधित चीज़ें होती हैं, उसका मूल्यांकन तर्क और विज्ञान के आधार पर करते हैं। जैसे कि धार्मिक आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, ये सब शहरों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इसी तरह पुरोहित, पुजारी और जो पंडे होते हैं, पादरी होते हैं आदि के ढोंग ये शहरों में नहीं चल पाते, वो ग्रामीण लोग, क्योंकि उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है शहरों में लोगों को, गांव में थोड़ी सी शिक्षा की कमी महसूस की जाती है, इसलिए वहाँ ये लोग अपना पाखंड चला लेते हैं। क्योंकि और इसी तरह की शहरों में जो होता है, वो लोग जो होते हैं उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि वो भाग्य पे कम और अपने श्रम पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इसीलिए धार्मिक जो लोगों का व्यापार चल रहा है वो शहरों में नहीं चल पाता। तो और भी हम ये भी इसमें ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती कि शहरों के लोग जो धार्मिक आस्था नहीं रखते, शहरों के लोग भी धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जो आडंबर होते हैं, जो अंधविश्वास होते हैं, उसको नहीं मानते शहरों के लोग। तो ये ज़्यादातर शिक्षा का प्रभाव मैं कह सकती हूँ उसमें, कि इसमें शिक्षा का प्रभाव ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अभिवृत्तियों पर प्रभाव। तो अभिवृत्तियाँ मीन्स होती हैं कि एटीट्यूड कैसा चेंज हुआ है शहरीकरण के कारण लोगों का। तो अब जैसे लोग पहले सिंपल सोबर रहते थे, तो अब नए नए फैशन वो अपनाने लगे हैं, मतलब तड़क भड़क चमकीले रहन सहन को वरीयता देने दे, लेट नाइट पार्टीज़ में जाने लगे हैं। पहले क्या होता था कि 7 बजे तक घर आ जाना है, अब ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं रह गई हैं, काफ़ी चेंजेस आ गया है। अब जैसे लेट नाइट फिल्म्स देखना या फिर म्यूज़िक सुनना, मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन शैली का अंग बन चुका है लोगों के, और काफ़ी उनके एटीट्यूड में चेंज आ चुका है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि भारतीय समाज पर शहरीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं शहरीकरण की समस्याएं और उनकी चुनौतियां क्या हैं। तो ये तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, मैं आपको पॉइंटर्स दे देती हूँ, समझा देती हूँ थोड़ा सा कि आपके इसके पॉइंटर्स के अंदर क्या क्या लिख सकते हो। और आप बहुत ही इजी टॉपिक है ये, आप अपने अकॉर्डिंग ये पूरा आंसर तैयार कर सकते हो। और जो भी पॉइंट ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि ये लेक्चर कैसा लगा। और कोई अगर किसी पॉइंट में आपको दुविधा हो रही है समझने में तो वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी करूँगी। तो सबसे पहले शहरीकरण की समस्याएं में मेन समस्या आपको ऑब्वियस पता है कि बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है शहरीकरण के कारण। ये यहाँ पर जो होती है जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है शहरीकरण में, इससे लोग के रहन सहन में वृद्धि हो रही है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल खरीद रहे हैं। और इसी तरह गंदे जल का जो निकास होता है, ठोस कचरे का निस्तारण की प्रक्रिया है, मतलब कि जो भी सुविधाएं हैं, नालियां नहीं बन रही हैं ठीक से, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, बन रही है तो ये सब जो है ये शहरीकरण में बहुत शहरीकरण की प्रक्रिया में बहुत ही मेजर रोल अपनाती हैं ये सब चीज़ें। इसी तरह जब शहर बनेंगे तो शहर कैसे बनेंगे, बिल्डिंग्स कैसे खड़ी होंगी, जब बड़े पेड़ काटे जाएंगे तभी तो बिल्डिंग्स खड़ी होंगी। तो पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है और पानी की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। इसका असर भूमि प्रदूषण के खतरे के रूप में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ऐसे ही प्रदूषण के चलते जो शहरों में लाखों लोग समय से पहले ही मर जाते हैं, जैसे उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है या लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि पॉल्यूशन से होती है। अगर हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अगर शहरों पर बढ़ रहे बोझ और प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले शहरों पर भविष्य में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा। ये UN ने कहा हुआ है शहरों की स्थिति के बारे में। और अभी जो शहरीकरण का स्तर है उसमें भी जो जल मल की निकासी है, गंदे पानी का शोधन है, पार्किंग है, पेयजल, आवास, अस्पताल आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कहने के नाम पे तो शहरीकरण कर दिया गया है लेकिन उसमें प्रॉपर सुविधाएं या जो भी फैसिलिटीज़ देनी थी सरकार को वो सब नहीं प्रोवाइड हो पाई हैं। ऐसे में जो भावी शहरीकरण अपने साथ समस्याओं का अंबार लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएँ साथ में लेकर आए हैं। शहरों के लिए सड़क हो गई, बिजली, मकान, दफ्तर, ये सब चाहिए और इनके लिए ज़मीन चाहिए। और ज़मीन कहाँ से आएगी, वो खेती की ज़मीन होगी या फिर जहाँ जंगल होंगे वहाँ से ज़मीन लेंगे। इसके कारण आपको पता है पेड़ भी काटने पड़ेंगे, जंगली जानवर और जो भी पारंपरिक जल का स्रोत होगा, मान लो कहीं से नदी निकल रही है, कहीं झील बनी हुई है, तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसका नुकसान और हट जाना, फिर शहर जो भी शहरों में रहता है उनको नुकसान उठाना ही पड़ सकता है। और भी बहुत सारी समस्याएं शहरों में आती हैं, जैसे कि अब तो इतनी ज़्यादा कोयला की यूज़ नहीं होता, लेकिन हम पहले जो भी परमाणु संयंत्र होते थे वो कोयले से चलाए जाते थे। तो इतना ज़्यादा अनगिनत पॉल्यूशन होगा इससे ना कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। और ऑब्वियस आपको पता है कि दिल्ली में यमुना नदी कितनी गंदी हो चुकी है, तो नदियों में जितना भी कूड़ा कचरा है, सीवेज का पानी है, सब नदियों में जाके छोड़ दिया जाता है शहरों का। गांव में ऑब्वियसली ये सब समस्याएं नहीं देखी जाती हैं। तो ये सब जो पर्यावरण में हो रहे नुकसान है या ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब आप लोगों को भी पता है कि ये सब शहरीकरण के कारण ही हम लोग को ये समस्या उठानी पड़ रही है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं कम होती सुविधाएँ, इसमें क्या पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या शहरों की तरफ भाग रही है, तो शहरों पर बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा आबादी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जैसे कि जो पहले से लोग रह रहे हैं अब उनकी सुविधा कम होगी, तभी तो जो आएंगे लोग उनको वो सुविधा प्रदान की जाएगी, तो फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल पा रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, बिजली का ही एग्जांपल है, तो अगर एक घर में एक बल्ब जल रहा है, अगर उसे 4 मंजिला बना दिया जाए तो वो 4 मंजिलों पे 4 बल्ब जलेंगे, तो फिर वो कैपेसिटी पे पैसा ज़्यादा लगेगा, फिर बल्ब का खर्चा ज़्यादा लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बांटनी पड़ जाएंगी। तो इसीलिए सुविधाएँ एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो रही हैं, सुविधा बढ़ नहीं रही है, ट्रांसफ़र हो रही है इसमें, ये कहते हैं। तो फिर इसलिए सुविधाओं में कमी आ जाएगी।
और लोग सोचते हैं कि शहरों में बहुत अच्छा जीवन है, बेहतर ज़िंदगी है, तो उसकी चाह में वो लोग शहरों की तरफ भागते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जैसे वो ज़मीन, प्राकृतिक पर्यावरण और पानी से वंचित हो जाते हैं गाँव को छोड़कर, जो कि शहरों में नहीं मिल पाता है। ऐसी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विकासशील देशों में करीब 90 करोड़ की आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, जिसके वर्ष 2020 तक 2 अरब हो जाने का अनुमान है। ये एक डाटा है, तो आप इसे अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। पानी और साफ हवा जैसे प्राकृतिक संसाधन और गैर मौजूदगी के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ाती हैं। तो ये आप लोगों को ऑब्वियस पता है कि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। चलिए आगे बात करते हैं आवास की समस्या। तो ये सारी जो समस्याएं एक ही टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, आबादी बढ़ रही है शहरों में, इसकी वजह से हर एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहले क्या होता था, लोग अपने मकान लेके एक मकान लेते थे, उसे बनाते थे और उसमें रहते थे। अब शहरों में क्या हो रहा है, मकान नहीं बन रहे, फ्लैट्स बन रहे, एक ज़मीन पे करीब बिल्डिंगें 20 मंजिल 25 मंजिल बना दी जाती है, उस पर एक एक फ्लोर को एक एक पर्टिकुलर फैमिली को दे दिया जाता है। तो ऐसे ना रहने की आवास की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। झुग्गी झोपड़ी, अगर रहने को स्थान नहीं मिल रहा तो लोग झुग्गियाँ बना के वहाँ रह रहे हैं, और काफ़ी लोग घरों में भी नहीं रह रहे हैं, लोग सड़कों पे अपनी रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। योजना आयोग के एक अनुमान के अनुसार बताऊं कि भारत की जनसंख्या का 1/5 झुग्गी झोपड़ी में रहता है। भारत में बेंगलोर में 10%, कानपुर में 17%, मुंबई में 38% और कोलकाता में 42% के सामने आवास की कठिन समस्या है। भारत में एक चीज़ और भी आपको देखने को मिलेगी, एक तरफ तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कह सकते हैं खड़ी हैं, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी आबादी है जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहती है, और रहने के लिए उन्हें, मतलब अगर मकान है भी तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं ही नहीं प्राप्त हैं, रोशनी नहीं मिलती, उन्हें साफ हवा नहीं मिलती। तो एक और डाटा इसमें मैं आपको शेयर करूंगी कि एक अनुमान के अनुसार हर साल लगभग 27 लाख लोग गाँव छोड़कर शहर की ओर रोजगार की तलाश में आते हैं। तो अब ये 27 लाख का आंकड़ा है, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि शहरों में आके रातों रात इन्हें रोज़गार मिल जाएगा और रातों रात इन्हें आवास की सुविधा प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। शहरों में भी मकान कहाँ से आएंगे, जितनी ज़मीन होगी उतने ही तो मकान बनाए जा सकते हैं। महानगरों की स्थिति तो और भी दयनीय होती जा रही है। एक तो शहर होती है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ तो और भी स्थिति गंभीर है और काफ़ी समस्याएं इससे सामना करना पड़ सकते हैं। आप तो ये चीज़ें खुद समझ सकते हैं और अपने जो भी अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं जल निकासी की समस्या। सेम वही प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, बढ़ता प्रदूषण, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, पटना जैसे शहर जो है वहाँ पर जो जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। शहरों में जैसे थोड़ा सा ही बारिश होता है, आप देख सकते हैं मुंबई की क्या स्थिति होती है, खबरों में आपने देखा होगा कि थोड़ी सी बारिश होगी और जल भराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, ना कहीं आ सकते हैं इंसान ना जा सकता है। मुंबई में जो मीठी नदी है, बेंगलुरु में पारंपरिक तालाबों के मूल स्वरूप में जो भी छेड़छाड़ हुई है, वहाँ जो नदियों का रास्ता मोड़ा गया है और जो भी उसमें कंस्ट्रक्शन की गई है चीज़ें, तो उसके कारण भी बाढ़ का खतरा हो गया है यहाँ पर। और जो भी नदी नाले बनाए गए हैं उसमें साफ़ सफाई टाइम टाइम से नहीं होती, इसी तरह थोड़ी ही बारिश में नगरों में पानी भर जाता है। रखरखाव की समस्या है, यही एक जल भराव का मेन कारण है। जैसे कि पॉलीथीन होता है और घर से निकलने वाले रसायन, नष्ट ना होने वाले कचरे, ये सब जो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं तो सीवेज में भर जाते हैं, और सीवेज की क्षमता इतनी नहीं होती कि उसे कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसे कवर कर पाए और उसे निकाल पाए, क्योंकि सफाई नहीं होगी तो फंस जाएगा कचरा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बरसात में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हाश। तो ये आपको तो अच्छे से समझ में आएगा ही कि जब शहरी परंपरा बढ़ रही है, लोग नए नए फैशन की तरफ आ रहे हैं, तो जो गाँव की जो परंपराएं हैं, जैसे ग्रामीण कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनका हाश हो रहा है। और जो भी लोग हैं शहरों की तरफ अपना उद्योग, अपना घरेलू धंधा छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं।
ऐसे ही जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका जो मुख्य लाभ है वो शहरों को मिल रहा है, गांव पर सरकार कम ध्यान दे रही है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही एक मेन रीज़न है कि गांव में जो स्थानीय स्तर पर शिक्षा होती है, स्वास्थ्य है, आवास है, बिजली, पेयजल इत्यादि की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। गांव के जो पहले उत्पाद होते थे वो हाथ से तैयार होते हैं, लेकिन जो शहरों में है वो इतनी ज़्यादा खपत है शहरों में उनकी कि अगर वो हाथ से तैयार करने लगे तो पूरा वो तैयार हो ही नहीं पाएंगे। इसके लिए मशीनों का प्रयोग हो रहा है और फिर औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो गाँव में जितने भी जो पारंपरिक ये लोग बनाते थे मटेरियल हाथ से, तो उनका हाश हो रहा है, वो उनकी घरेलू जो परंपरा है वो सब क्षीण हो रही है। तो इसका असर जो गाँव में उत्पाद बनाने वालों पे पड़ता है। और इसके अलावा जो हम बात कर सकते हैं कि शहरों से अधिक हो सकने वाली आय के आकर्षण के कारण जो भी हाथ के काम में दक्ष व्यक्ति भी शहर में आ जा रहे हैं, इसका प्रभाव भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक पड़ रहा है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खाद्यान्य संकट पर। तो इसमें भी वही है, बढ़ती जनसंख्या, इससे जो भी आवास के लिए शहरों में जो भी कृषि योग्य भूमि है उसको आवास में चेंज कर दिया जा रहा है। तो इससे जब आप लोग अनाज उगाने के लिए ज़मीन ही रही रहेगी तो कहाँ से अनाज उगाएंगे, और अनाज नहीं उगा पाएंगे तो खाएंगे क्या? तो ये बहुत ज़्यादा संकट उत्पन्न हो रहा है। विकसित जो भी देश हैं वो ऊंची उत्पादकता, कम आबादी, औद्योगिकरण, मशीनीकृत खेती आदि के माध्यम से शहरों में बसी जो जनसंख्या है उनको रोटी रोजी जो भी मुहैया कराने में सफल हुए हैं। जैसे लेकिन भारत हमारा क्या है, विकासशील देश है, तो उनकी स्थिति अभी ऐसी नहीं उत्पन्न हुई है कि वो मशीनीकृत खेती करा पाए, या बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हो गया है कि वो अनाज खरीद के अपने शहरों में जितने लोग हैं उनको बांट पाए। तो काफ़ी स्थिति दयनीय है भारत की। ऐसे ही इन देशों में उत्पादक जनसंख्या के प्रवासन से गाँव में बुजुर्ग व महिलाओं की संख्या बढ़ी है, जिससे कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोग अपने जो भी गांव में पुरुष होते हैं वो अपना रोजगार के लिए शहरों में आ जाते हैं, गांव में कौन रह जाता है? बुजुर्ग और स्त्रियां, वो ज़्यादातर खेती थोड़ी ना संभाल पाती हैं, वो थोड़ा बहुत बस जो भी ऊपरी काम है वो देख सकती हैं। तो इससे खेती पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इसी कारण से जो खाद्यान्न पैदा करने वाले परिवार हैं वो भी अन्न खरीद के ही खा रहे हैं। उनको भी अब जैसे होता था कि एक बार खेती हो गई, साल भर के लिए अनाज रख लिया और उसी को खाते हैं, तो अब वो लोग भी खरीद के खा रहे हैं। तो जो पर्टिकुलर नौकरी करने वाले हैं उनको तो खरीद के खाना ही पड़ेगा। इसके अलावा शहरों में जो बड़ी संख्या में होटल खुल गए हैं, इससे भी खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। जितना खाना बच जाता है होटलों में वो फेंक दिया जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है खाद्यान्न संकट के लिए। और इससे आपको लोगों को भी पता है, इससे भुखमरी उत्पन्न होगी, खाद्य समस्या उत्पन्न होगी और महंगाई पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इन सब चीज़ों से। हमारा आज का लास्ट पॉइंट है अपराध और तनाव। शहरीकरण जब भी होता है तो आप लोगों को भी पता है कि ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ियाँ या मलिन बस्तियों का विस्तार होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं इंडिया में मोस्टली प्राप्त नहीं है कि सबको ही सुविधाएं दे दी जाए। तो मलिन बस्तियाँ जो एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन उसके ज़्यादा जब होती हैं, लोगों को रोजी रोटी का साधन नहीं होता है, तो अपराधों में वृद्धि होती है, हिंसक प्रवृत्तियों में वृद्धि होती है। और ऐसा माना जाता है कि मलिन बस्तियों का ढांचा इस प्रकार का होता है कि वहाँ आपराधिक प्रवृत्तियाँ पनपने के ज़्यादा अवसर होते हैं। इसके अलावा अवसरों की सीमितता, मतलब कि लोगों को रोजगार ना मिलना और विभिन्न दबावों के कारण जो समूह है संसाधनों पर अपने अधिकार की बात करते हैं, इससे क्षेत्रवाद बढ़ता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है और समाज में तनाव में बढ़ोतरी होती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं इन सब चीज़ों में। महानगरों में जो समय भी कम होता है और जगह भी कम होती है, इसके दबाव के कारण लोगों के मानसिक प्रवृत्तियों में भी चेंज आया है, मानसिक तनाव देखा गया है लोगों के अंदर। कार जो जैसे लोग होते हैं वो उनके पास कार खड़ी करने की जगह नहीं होती, लेकिन दो लोगों की होड़ के चलते या तनाव के चलते या जो भी है वो कार ले लेंगे और फिर वो आपसी झगड़े और तनाव का कारण बनेगा।
ऐसे ही जो शहरों में रोड रेजिंग की घटनाएं भी आपको हमेशा देखने को मिलती ही रहती हैं। तो हम देख सकते हैं कि शहरों के कारण ही ज़्यादातर अपराध में वृद्धि हुई है। तो ये इनकी मेन चुनौतियां या समस्याएं देख लिख सकते हैं आप इसमें। तो नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, इसकी समस्याएं जो हैं वो भयावक रूप ले सकती है अगर इनको टाइम रहते नहीं सुधारा गया। तो हमें आवश्यकता है कि हम इन नगरीकरण की समस्याओं को निपटने के लिए व्यापक प्रबंध करें। सरकार को काफ़ी चीज़ें करने की आवश्यकता है शहरीकरण में जो भी ये समस्याएं हो रही हैं, और इससे संबंधित बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया जाए तथा ग्रामीण नगरीय प्रवसन को रोकने के उपाय किए जाए। मतलब कि गांव को भी उसी के ढांचे में ढाला जाए जैसा कि शहर है, ताकि लोगों को गांव से शहर में आने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसीलिए थोड़ा सा मैं टॉपिक छोटा लाती हूँ। तो आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा जल्दी, तो मैं जल्दी कैसे कंप्लीट करूँ कि टॉपिक ही इतने लंबे होते हैं कि मैं आपको समझाने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है। कुछ लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, तो उन लोगों को काफ़ी चीज़ें समझने के लिए टाइम चल लगता है। और अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया तो आंसर राइटिंग तो आप अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से लिख सकते हो। होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।